स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर। बच्चों आज हम न्यू सिलेबस का न्यू चैप्टर शुरू करते हैं। चलिए देखिए चैप्टर 8 फूल और कांटा। चलिए अब हम ये कविता अच्छे से पढ़ते हैं। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात पे उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मैं उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही। पर सदा ही यह यश दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर वशन। प्यार डूबी तितलियों का पर कतर भंवर का है भेद देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में भंवर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंधों और निराले ढंग से है सदा देता कली का जी खिला। है खटकता एक सबकी आँख में दूसरा है सोता सुर शीश पर। किसी तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। बच्चों आप ये कविता अच्छे से बोल बोल कर पढ़िएगा और 8 लाइन कविता के ज़रूर याद कीजिएगा और अपने पेरेंट्स को बोलकर सुनाइएगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या दिया है, शब्द और अर्थ। बच्चों जिन शब्दों के अर्थ आपको नहीं समझ में आते यहाँ पे वो शब्द के अर्थ आपके लिए दिए गए हैं। देखिए मैं वर्षा, वसन कपड़ा, श्याम काला, जी हृदय, सुर देवता, कसर कमी, ये सब शब्दों के अर्थ यहाँ दिए हैं। सदा हमेशा बराबर, पर पंख, तन शरीर, खटकना बुरा लगना, शीश शीर माथा, वर सबसे अच्छा, भेदना छेदना घाव करना, अनूठा निराला, सोहना भला लगाना लगना भला लगना, कुल परिवार वंश, यहाँ सब शब्द के अर्थ दिए गए हैं आप पढ़िएगा। चलिए वह अभ्यास प्रश्न देखिए। इसके प्रश्न एक का क देखिए, फूल और कांटे कहाँ पनपते हैं। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए, जो सही होगा आपको उस पर टिक का निशान लगाना है, सही का निशान। फूल और कांटे कहाँ पनपते हैं, पौधे में, नदी में, घर में। बाप बताइए कहाँ पनपते हैं, पौधों में ही फूल कांटे होते हैं ना, तो टिक किस में होना चाहिए, पौधे में। तो ख दिया गया है, सब जगह चांदनी कौन बिखेरता है, तारा सूरज चांद। आप कविता पढ़िएगा तो इनके आंसर आपको बता रहेंगे, आप उस पर टिक लगाइएगा। ग, फूल किसे अपना रस पिलाता है, भौरे को, पत्ती को, पेड़ों को। घ, प्यार में डूबी तितलियों के पर कौन कदरता है, पत्ती, फूल, कांटा, जो ऑप्शन सही होगा उसमें टिक लगाइए। अंग, देवताओं के सिर पर क्या चढ़ाया जाता है, फूल, तितली, गमले। ठीक है, तो ये आपको अपनी बुक में ही करना है। अगला देखिए प्रश्न सेकंड, कविता की अधूरी पंक्तियों को पूरा करो। अब आप कविता अच्छे से याद कीजिएगा, उसके बाद आप इन कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिएगा। अगर आप याद करके करेंगे तो आपको ये कविता याद भी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में लिखो। आप पढ़िएगा कविता और उनके अर्थ आपको अपने शब्दों में लिखना है। क, छेद कर काटे किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर वशन। काटे से क्या होता है, हमारी उंगलियों छेद जाती है, उनसे खून निकलते हैं, उन्हें फाड़ देती हैं, किसी का वर वशन। वर वशन का आपको यहाँ पर अर्थ दिया गया है, क्या है देखिए, वसन कपड़ा, वर है ना, वर का देखिए क्या है, सबसे अच्छा। कांटे क्या करते हैं, वर वसन सबसे अच्छे कपड़े को भी फाड़ देते हैं। तो आपको इसी तरह यहाँ पे अर्थ लिखना है। आप पढ़िए कविता, आपको अर्थ समझ में आएगा, नहीं समझ में आया तो अपने पेरेंट्स के आप हेल्प लीजिएगा। ख देखिए क्या है, किसी तरह कुल की बड़ाई काम दे जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। आप पढ़िएगा और इनका अर्थ लिखिएगा। अगला प्रश्न 4 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क, फूल और कांटों में क्या अंतर है। अब आपको अच्छे से पता है फूल और कांटे में क्या अंतर है, तो आप इनके उत्तर एक शब्द में अपने
बुक में कंप्लीट कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, कौन कौन सी चीज़ें फूल और कांटों को एक समान मिलती हैं। ग, किसकी निराली अदा और गंध से मन प्रसन्न हो जाता है। घ, कौन बड़ा होता है। अंग, कविता के रचयिता कौन है। तो अब तो कविता पढ़ेंगे, तो कविता के रचयिता देखिए यहाँ पे नाम दिया गया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ये कविता के रचयिता के यहाँ पे आपको नाम दिए गए। आप कविता ध्यान से पढ़िएगा और इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिएगा। आपके लिए होमवर्क है अपने बुक में, ये साफ सुंदर राइटिंग में आप कंप्लीट कीजिएगा। ओके, बाय बाय।